हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक आई टी के फंडे में। आज हम बात करेंगे सिलेक्ट सिंपल वन टच ग्लूकोमीटर के बारे में। जॉनसन एंड जॉनसन का ये जो डिवाइस है, ये नो मोर कोडिंग, नो मोर सेटअप और हाई एंड लो अलार्म के साथ आता है। और ये जो ब्लू सिंबल है, इसको आपको दिखाई दे रहा है ये लो अलार्म के लिए, और रेड सिंबल जो है वो आपको दिखाई दे रहा है वो हाई अलार्म के लिए यहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर आप पीछे से देख सकते हो, ये हाई लो जो डिवाइस की जो अलार्म है ये आपको यहाँ पर बताता है। उसी के साथ साथ ये जो डिवाइस है, इसमें कुछ इंडिकेटर्स है। ये जो पहला इंडिकेटर है वो इंडिकेट करता है लास्ट डेट रिजल्ट को। दूसरा जो है वो सैंपल ब्लड टेस्ट स्ट्रिप्ट बैलेंस चेक करने के लिए, और तीसरा जो है लो बैटरी अलार्म के लिए, और चौथा जो है एम्प्टी बैटरी के लिए, ऐसा सिंबल आपको दिखाई देगा। अभी किट के साथ आपको क्या क्या मिल रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको मिल रहा है वन टच सिंपल सिलेक्ट सिंपल डिवाइस ग्लूकोमीटर, उसके साथ है लेंसिंग डिवाइस, 10 स्टेराइल लैंसेट, केस, ओनर गाइड और हाई लो अलार्म रेफरेंस कार्ड आपको यहाँ पर इस डिवाइस के साथ मिल रहा है। तो इस डिवाइस को हम यहाँ पर अभी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बॉक्स को खोल दिया है। मैं यहाँ से ये कंटेनर को यहाँ से निकाल लेता हूँ। यह है ग्लूकोमीटर। यहाँ पर ब्लू अलार्म और रेड अलार्म आपको दिख रहा है। ब्लू लो ब्लड शुगर के लिए और रेड हाई ब्लड शुगर के लिए इंडिकेट होता है। और यह है लेंसिंग डिवाइस, और यह है लेंसिंग डिवाइस। इस ये ब्लड लेने के लिए, ब्लड सैंपल लेने के लिए हमें काम में आता है। इसकी रीडिंग हमें सेट करनी होती है। सबसे पहले यहाँ पर एक आप सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका सील निकाल लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये सील जो है इसको निकाल लेना है। लैंसेट डिवाइस को आप स्किन के लेयर के हिसाब से सेट कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसकी रीडिंग जो है 4 पर रखते हैं। ये जो पैकेट है इसमें लैंसेट्स रखे हुए हैं। मैं अभी आपको इसको खोलकर दिखाता हूँ ये लैंसेट किस प्रकार होते हैं। इस पॉकेट के अंदर 10 लैंसेट आते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरह से होते हैं लैंसेट। ये है लैंसेट डिवाइस, ये है लैंसेट, इसे 10 स्टेराइल लैंसेट कहा जाता है। तो अब हम जानेंगे लैंसिंग डिवाइस का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते। जो आपको दिखाई दे रहा है ये है लैंसिंग डिवाइस, ये जो है ये है लैंसेट। ये इसमें फिट करना पड़ता है। मैं अभी आपको फिट करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर मीटर रीडिंग सेट करना है आपकी स्किन लेयर के हिसाब से। पहले हम 3 या 4 लेंसिंग डिवाइस में सेट करते हैं। ये जो कवर आपको दिखाई दे रहा है, इसको ओपन करने के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट करके हल्का सा आपको खींचना है। यहाँ पे आपको दिखेगा एक होल है, इसके अंदर आपको टेरल लैंसेट को फिट करना है। ये देखिए, इस तरह से आपको लैंसेट के ऊपर पुट करना है। आपको फिट कर दीजिए और अंदर की ओर प्रेस कर देना है। ये जो ऊपर की टिप दिख रही है, आपको इसको 2 बार राउंड घुमाना है और ये ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक हल्की सी निडल दिखाई देगी। उसके बाद आपने जो यह जो बटन रिमूव की थी उसको आपको फिर से लगा देना है, को प्रेस करना है। आपके स्किन लेवल के हिसाब से इसको 3 या 4 पर सेट करना है। आपके स्किन का लेयर अगर ज्यादा बड़ा है तो इसको आप और आगे पीछे कर सकते हो। ये जो बटन है पीछे में, इसको वापस खींचना है और सामने का जो पोर्शन है वहां पर आपको उंगली रखना है और वो बटन को प्रेस करके छोड़ देना है। इसके बाद हल्की सी जो निडल है वो आपके स्किन को छेद करती है और वहां से थोड़ा सा ब्लड, हल्का सा ब्लड निकलता है। दोस्तों ये है टेस्ट स्ट्रिप। इसकी वारंटी जो है 2 साल की होती है। इसको मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। इसकी एक्सपायरी 2 साल की होती है, लेकिन अगर इसको बॉटल से ओपन किया जाए तो इसकी एक्सपायरी जो है 6 महीने की हो जाती है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये जो टेस्ट स्ट्रिप है इसको मशीन में किस तरह से लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। वहां पर जो ऊपर का जो कॉर्नर है वहां पर आपको ब्लड लगाना होता है। मैं आपको डिवाइस में लगा कर बताता हूँ किस तरह से ये काम करता है। इसके लिए पहले आपको डिवाइस लेना है, डिवाइस को ऑन करना है। स्टेराइल स्ट्रिप इंसर्ट करने के बाद आपको इस तरह से सिंबल आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको आपका जो ब्लड सैंपल है कॉर्नर पर आपको लगाना है। ब्लड को यहाँ पर इस तरह से आपको लैंसेट डिवाइस में लेने के बाद इस तरह से लगाना है, और यहाँ पर आपको रिजल्ट जो है मिल जाएगा। रेफरेंस कार्ड से आप जान सकते हो कि लो रीडिंग क्या होती है, हाई रीडिंग क्या होती है, और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन
आप इस कार्ड की मदद से देख सकते हो। तो यह थी अनबॉक्सिंग और इसका छोटा सा टेस्ट मैंने आपको करके बताया। तो इस तरह से आपको यह डिवाइस यूज करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।